जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक कैलाश मेघवाल साहब, जो किसी जमाने में भैरव सिंह शेखावत साहब के साथ गृह मंत्री रहे और अक्सर इनको संज्ञा दी जाती थी हनुमान की, आज फिर से ये उसी अंदाज में बोल रहे हैं जिस अंदाज में कभी पहले बोलते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये सारा राजनीतिक घटनाचक्र कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह का परिणाम है, और ये अंतर्कलह इसलिए पैदा हुई कि वहाँ कुर्सी की दौड़ लग रही है, कुर्सी की जो है प्रतियोगिता चल रही है, उसमें दूसरी पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये मानना है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को अनैतिक हथकंडों से और हॉर्स ट्रेडिंग से हटाना नितांत निंदाजनक है। यहाँ पर बात की जा रही है बंगले को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बंगले को लेकर बात की जाती है, तो नहीं लगता कि सियासत जो है वो अब चार तरफ चलने लगी है? बीजेपी भी दो तरफ, कांग्रेस भी दो तरफ, अलग अलग तरीके की बातें आती है, पब्लिक सब जानती है कि क्या चल रहा है। अरे भैया, बंगले के इशू को लेकर के जितनी हास्यास्पद स्थिति है उसका मुझे केवल अफसोस कर सकता हूँ। सामान्यतः ये परिपाटी है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री रहे और वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन सके, केवल विधायक बनकर आए, उनको बड़े बंगले देने का हमेशा प्रावधान रहा है उसी के आधार पर। लेकिन ऐसे माहौल में सचिन पायलट को उनके ऊपर बयान देना, जो कि सचिन पायलट को लेकर बीजेपी तो बहुत बचाव कर रही है, लेकिन सचिन पायलट आपकी ही पार्टी की इतनी वरिष्ठ नेता को दाव को लेकर बयान देते, ये उचित नहीं हो रहा क्या? सचिन पायलट को भी एक स्टैंडर्ड की राजनीति करनी चाहिए। आज वो क्योंकि कांग्रेस में उनकी उखड़ चुकी है और वो निराश हो चुके हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगाने की उनकी जो स्थिति बनी है वो ठीक नहीं है। मैं उनको भी राय दूंगा कि राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तरीय नियमों का पालन करो, उच्च स्तरीय स्थिति को पैदा करो। यहाँ पर इस दौर में जो जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कोई बयान नहीं आया, ना वो जयपुर में आई है, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि आपके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, क्या लगता है आप? अब उनको जो है राय ली जा रही है। अभी अखबार में मैंने पढ़ा था कल ही कि गुलाब चंद जी कटारिया जो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने उनको आमंत्रित किया है और उनके अनुभव का, उनकी सक्रियता का, उनके प्रभाव का राजनीति में उपयोग किया जाएगा। किस तरीके की लीडर हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में उनकी क्या भूमिका हो सकती है? उनकी भूमिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी, इसके खिलाफ हो ही नहीं सकती। और जब भी मौका आया, जब भी अवसर आया, वो जो भी राजनीति करेंगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की करेंगी। बाकी रहा सवाल एक दूसरे को मदद करने का, तो मैं भाईचारे की राजनीति में विश्वास करता हूँ। मैं पार्टियों में दुश्मनी या एक दूसरे से बदला लेने की स्थिति को मैं ठीक नहीं मानता। आपकी ही पार्टी के केंद्रीय नेता जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, उनको लेकर भी आरोप लगा दिए गए, आपकी पार्टी पे भी कई आरोप लगाए। ये जो पार्टी के आरोप तो राजनीतिक वो है, आग्रह दुराग्रह, लेकिन असलियत तो है जो जांच चल रही है उससे सामने आएगी। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सब स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है या हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है या अनैतिक दबाव में इन्वॉल्व होता है, तो वो उचित नहीं है। लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है, राज्यसभा चुनाव के वक्त भी चला, लेकिन एक BSP के विधायकों का भी मामला आता है पिछली सरकार में, इस सरकार में, उनको लेकर क्या कहें? ये BSP के विधायकों का मामला पहले भी था, आज भी है, और उन्होंने पूरी पार्टी अपनी जो है कांग्रेस से मर्ज कर दी, तो ये विषय नहीं है। इसको राजनीति से जो है, राजनीति के कारण इसको जो है ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर क्या लगता है आपको, यदि इस राजनीति का समापन होगा, एंड होगा, क्योंकि राजनीति चल रही है, कोर्ट को फैसला करना है, फिर राज्यपाल अपनी भूमिका होगी, स्पीकर की अपनी भूमिका होगी, तमाम भूमिकाओं के लिहाज से अल्टीमेटली नुकसान क्या राजस्थान का नहीं होगा? अस्थिर राजनीति राजस्थान का बहुत नुकसान कर रही है, और इसलिए जो पटरी पर उतरी राजनीति है उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं चाहता हूं कि अदालत भी अपना जो है निर्णय जल्दी दे दे, उसके आधार पर भी राजस्थान की भविष्य की राजनीति का आधार बनेगा। और इसलिए राजस्थान अभी एक स्थिर सरकार चाहता है, राजस्थान की कई चुनौतियां हैं उनको मीट आउट करने के लिए। एक आखिरी सवाल और,
आपने वो दौर देखा है राजनीति का जब दिग्गज हुआ करते थे, नाम सब जानते हैं, आपने तमाम दिग्गजों के साथ काम किया है, तब की राजनीति और आज की राजनीति में कितना बड़ा अंतर आया है? शुचिता की बात हमेशा की जाती रही थी, लेकिन अब जो है स्थितियां बदल चुकी है, कितना अंतर पाते हैं आप? आज की राजनीति पतन की पराकाष्ठा की स्थिति में चल रही है, ये कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है। और इसलिए राजनीति में कब सुधार आएगा ये नैतिक मूल्यों वाली पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है। बेबाकी से अपनी बात कही है कैलाश मेघवाल साहब ने कि राजनीति जो है आज कितनी बदल चुकी है, उस दौर की राजनीति क्या थी और आज के दौर की राजनीति क्या है। इन्होंने अपनी बात भी कही है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर जो सियासत चल रही थी उसे लेकर भी इन्होंने दो टूक बात कह दी है। बहरहाल क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। सोमवार के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या डिसीजन लेती है, कांग्रेस क्या लेती है, कांग्रेस का अंतर्द्वंद्व किस तरीके से सामने आता है, उसके नतीजे क्या निकलते हैं। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।